दोस्तों रशिया जो मिलिटरीली वर्ल्ड का सेकंड सबसे पावरफुल कंट्री है, सॉरी था, ये यूक्रेन वार में बुरी तरह से फेल हुए हैं। वार से पहले यूक्रेन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अराउंड 18th नंबर पे था। तो वर्ल्ड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्ड फोर्सेस वाला कंट्री 18th पोजीशन के कंट्री को हराने में इतनी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका वैलिड आर्गुमेंट हो सकता है कि नेटो कंट्रीज ने भर भर के मिलिट्री सप्लाईज एंड एड यूक्रेन को प्रोवाइड किया है, जिस वजह से इन्होंने रशिया को कड़ी टक्कर दी। एंड इसी मिलिट्री एड में छुपा है एक चीज जिसके कारण रशियन आर्म्ड फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ, एंड ये है अनमैन्ड aerial vehicles, yani UAVs. Russian tanks that cost over $1 million are being taken out by cheap consumer-style drones. दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे घातक यूएवी MQ-9 रीपर के बारे में, जो जल्दी ही डिसेंट नंबर्स में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास होगा। MQ-9 को यूएसए बेस्ड कंपनी जनरल एटोमिक्स ने बनाया है। हिस्ट्री की बात करें तो MQ-9 रीपर डेवलप हुआ है MQ-1 प्रीडेटर से। 2007 में यूएस एयरफोर्स ने MQ-9 को इंडक्ट किया, उसके बाद इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए जिससे ये ड्रोन्स और भी ज्यादा लीथल हो गए। MQ-9A को फर्दर डेवलप किया गया MQ-9B में, जिसके दो वेरियंट्स है, सी गार्डियन एंड स्काई गार्डियन। सी गार्डियन वेरियंट सी बेस्ड मिशंस को परफॉर्म करने के लिए है, एंड स्काई गार्डियन वेरिएंट लैंड बेस्ड मिशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। भारत यूएसए से जो 31 MQ-9B परचेस करने वाली है, इसमें से 15 नेवी को जाएंगे, जो सी गार्डियन MQ-9B है, एंड बाकी के 16 में से 8-8 के नंबर्स में आर्मी एंड एयरफोर्स को मिलेंगे, जो स्काई गार्डियन MQ-9B है। दोस्तों नेवी को ज्यादा नंबर्स में ये ड्रोन्स देने का मेजर रीजन है वास्ट इंडियन ओशन रीजन। हम जानते हैं कि चाइना पैसिफिक में साउथ चाइना सी के साथ साथ अभी इंडियन ओशन रीजन में भी अपना दबदबा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि ये अपने स्पाई शिप्स को हमारे मिसाइल टेस्ट्स के दौरान यहाँ पे भेजता है ताकि इनसे डेटा कलेक्ट कर सके, एंड ये स्पाई शिप्स ओशन बॉटम डेटा भी कलेक्ट करते हैं ताकि ये अपने सबमरीन्स को इस रीजन में मूव करा पाए। दोस्तों क्या आपको पता है कि MQ-9B एक बेहतरीन हथियार है व्हेन इट कम्स टू एंटी सबमरीन वॉरफेयर। MQ-9B के ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम इसे अलाउ करता है इसमें सोना वॉय सिस्टम्स इंटीग्रेट करने में, जो सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकता है, और सिर्फ एंटी सबमरीन मिशन ही नहीं बल्कि पायरेट्स से भी रेस्क्यू। जी हाँ, रिसेंटली सोमाली पायरेट्स ने एक वेसल को हाईजैक किया था और फिर इंडियन नेवी ने इस हाईजैक्ड वेसल को रेस्क्यू करने के लिए सी गार्डियन ड्रोन्स यानी MQ-9B जिन्हें हमने लीज में लेके रखा है इनका इस्तेमाल किया था, और ये उसी ड्रोन से लिया गया फुटेज है जब मार्कोस कमांडोस ने इस वेसल को रेस्क्यू किया। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं MQ-9 के स्पेसिफिकेशंस की। MQ-9 एक हेल यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकता है। ये हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस एंड रिकॉनिसेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और भी कई सारे टास्क परफॉर्म करने में सक्षम है। इसमें एक 950 शाफ्ट हॉर्स पावर का टर्बो प्रॉप इंजन लगा है जिसकी मदद से मैक्सिमम 480 किलोमीटर पर आवर के मैक्सिमम स्पीड के साथ फ्लाई कर सकता है। ये मैक्सिमम 50,000 फीट तक पहुंच सकता है और 40 आवर्स की इसकी एंड्योरेंस है जो फुल पेलोड के साथ 30 आवर्स हो जाती है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम है जिसमें इंफ्रारेड सेंसर्स, लेजर डिस्टेंस इंडिकेटर एंड AESA रेडार है। इनकी मदद से ये ड्रोन बंकर्स के अंदर भी अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। वेपन्स की बात करें तो ये अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में 4 AGM-114 हेलफायर लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, 2 GBU-12 पेवोवे 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। इसमें और भी वेपन्स लगाए जा सकते हैं जैसे कि GBU-38 JDAMs, AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स आर्मर्ड एंड हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, GBU-12 पेवोवे 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं जिन्हें MQ-9 के नोज माउंटेड लेजर सीकर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, और इन्हें डंप बॉम्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड फाइनली GBU-38 JDAMs जो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं जो GPS गाइडेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी लीथल वेपन्स के साथ ही एक डेडली ड्रोन हो जाता है। ये टोटल 2155 किलोग्राम के एक्सटर्नल पेलोड के साथ फ्लाई कर सकता है, जिसमें एंड्योरेंस बनाने के लिए इसके साथ एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी अटैच किए जा सकते हैं। ओवरऑल ये एक डेडली ड्रोन है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिलने वाले हैं, एंड ऐसे हाई एंड मशीन को खरीदने एंड ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट भी बहुत बड़े नंबर्स के साथ आता है। भारत के साथ यूएसए का ये डील करीब $4 बिलियन का है, बट ये केवल 31 ड्रोन्स के लिए नहीं है। इसके साथ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस, प्राइमरी सैटेलाइट लिंक, सपोर्ट सिस्टम्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, स्पेयर पार्ट्स एंड और भी कई तरह की चीजें जो इस सिस्टम के साथ इन्वॉल्वड है इसके साथ मिलेंगे। इसी वजह से ये कॉस्ट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी इसको लेकर नेगोशिएशंस चल रहे हैं और हो सकता है कि प्राइस में रिडक्शन देखने मिले, एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील को अप्रूव कर दिया है जैसा हमने न्यूज में देखा। तो दोस्तों आपका MQ-9 रीपर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। $4 billion sale of 31 MQ-9B Sky Guardian aircraft will provide India with an enhanced maritime security and maritime domain awareness capability. It offers India outright ownership and a 16-fold increase in the number of aircraft as compared to their current lease of 2 MQ-9A aircraft.